वो अभी पहुंच चुके हैं हम भैरव बाबा के मंदिर में। और यहाँ पर ना एक विशेष कारण ये है कि यहाँ पर मंदिर नहीं है, बाकी यहाँ ना आज श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा आ रही है। मनोज ने चढ़ावा ले लिया है, मनोज भी जा रहे हैं अभी चढ़ावा चढ़ाने के लिए। तो कुछ मन्नतें होंगी भाई की भी? मन्नत कुछ नहीं है भाई। दौलत भाई तो इनकी आज पूजा है यहाँ, तो इनकी पूजा में आज सभी भाई को नमस्कार। हार के इसी लोकेशन पे कुछ अभी खाना बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आग भी जला, और यहाँ पर ना खाना पीना स्टार्ट हो गया है। तो भाई आज ड्राइविंग कर रहे हैं, फर्स्ट बार गिराओगे तो नहीं मुझे यार? तो इनके साथ ना थोड़ा बैठने में डर भी लग रहा है। तो हमारे इलाके में रोड काफी खराब सी थी, काफी उबड़ खबड़ रोड थी, तो आजकल लगा हुआ है रोड का काम जोरों शोरों से। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट फिर से आ चुका हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं महावीर भी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से एंड हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत भी हो ही चुकी है सुबह के 7:30 बजे से। तो आज हम चल रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर में, भैरव बाबा के दर्शन करने। तो आज हमारे पड़ोस से वहाँ पूजा है, तो आज चलेंगे हम सभी लोग वहाँ पर और आपको भी बाबा भैरव के दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं, अभी फ़िलहाल हम गांव से आगे निकल चुके हैं, तो रोड तक तो हमें पैदल जाना ही होगा, फिर रोड से गाड़ी में जाएंगे। सो अभी हम पहुंच चुके हैं रोड में, और यहां पर ना अभी दो गाड़ियां आ चुकी हैं बट लोग भी अभी पूरे नहीं आए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सलोन से आगे, सलोन से जस्ट ऊपर हैं हम। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल की और लकड़ी ढूंढने के लिए। तो देखो इतना घने घोर जंगल में हम लकड़ी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो अभी ऐसी कुछ लोकेशन पे हम रुके हुए हैं, और यहाँ पर से हमें तोड़नी है इस वाले जंगल से लकड़ियाँ। तो अभी देखो ऊपर से तोड़ रही है, देखो। अरे भाई धीरज भाई तो ला गया भाई लकड़ी। तो अभी थोड़ी बहुत मैं भी ला गया, बट अभी और चलते हैं जंगल में। तो यहाँ तक तो हमें ऐसी रोड मिली उबड़ खाबड़ वाली, बट यहाँ पर से नेशनल हाईवे। तो अब ना मजा आ रहा है भाई गाड़ी में जाने में, वाह। बाकी देखो यहाँ ना हिमालय की श्रृंखलाएं भी दिखाने पर लग गई है, और यहाँ से ठीक नीचे को देखे सलोन गांव भी दिखाई देने पर लग गया हमें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सलोन में, और यहाँ पर से ना सलोन की मेन गेट है। तो दो गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई हैं, कुछ लोग आगे बट कुछ अभी पीछे से आ रहे हैं। बाकी अभी सलोन में सभी लोग पहुंच चुके हैं, सभी के लिए चाय पानी का व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर, और जो चाय नहीं पीते उनके लिए ठंडा का व्यवस्था भी किया है। तो अभी हम सलोन से भी आगे निकल चुके हैं, और यहाँ देखो लोंडो को भाई। जय भैरव बाबा, यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन होने शुरू हो गया हमें। कम है रे, बहुत ज्यादा है। आज श्रद्धालु पहुंच चुके हैं भाई साहब। पुआर पुआर पुआर। सो अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर में, और यहाँ ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर है मंदिर। तो अभी मुँह हाथ धुल करके चलते हैं वहाँ, भैरव बाबा के दर्शन आपको भी कराते हैं। तो यहाँ पर ना पीछे हमारे गांव के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बाकी और गांव के तो यहाँ ऊपर चले गए मंदिर। 20 किलोमीटर के आर पार में पड़ता होगा हमारे गांव से यहाँ तक। वो अभी पहुँच चुके हैं हम भैरव बाबा के मंदिर में, और यहाँ पर ना एक से कारण ये है कि यहाँ पर मंदिर नहीं है, बांस के पेड़ के नीचे भैरव बाबा को पूजा जाता है। और जहाँ पर कि अभी खाना बनाएंगे, और वहाँ पर अभी हम सामान लेकर के जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं लौंडे लोग भी आ रहे हैं पीछे से सामान लेकर के, बाकी मैं तो एक फ्रे पान ले जा रहा हूँ बस। सो अभी खाना कुछ इस लोकेशन पे बनेगा, यहाँ पर देखो भाई इस वाली लोकेशन पे अभी खाना बनेगा, और यहाँ से ना रोड इतनी नज़दीक है। यहाँ पर देखो नीचे जो गाड़ी में लकड़ी रखी थी हमने इकट्ठा करके, तो उन वाली लकड़ियों को यहाँ पर नीचे लौंडे लोग निकाल रहे हैं। तो इतनी लकड़ियाँ ना हमने गाड़ी में इकट्ठा करके रखी हुई थी। इसी लोकेशन पे कुछ अभी खाना बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आग भी जला ली, यहाँ पर प्याज पूछ कट हो रहा है अभी, और यहाँ पर ना इस वाले के डेरे में यहाँ पानी है, तो देखते हैं पानी अच्छा है या नहीं है। तो अभी मुंह हाथ भी हमने धो ही लिया है, अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। तो आपको भी कराते हैं दर्शन, तो आप भी वीडियो में आगे आगे बने रहे। टाइम भी काफी हो गया, और यहाँ पर ना श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा है अभी भी। ये
सो अभी बाबा भैरव के दर्शन भी कर लिए हमने और आपने भी थोड़ी बहुत किए होंगे, तो ज़्यादा तो नहीं बता पाया बट थोड़ी बहुत आपने भी किए होंगे बाबा भैरव के दर्शन। अब चलते हैं जहाँ पर की खाना बन रहा है वहाँ पर चलते हैं आप सीधा। बाकी यहाँ ना आज श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ रखी है। मनोज ने चढ़ावा ले लिया है, मनोज भी जा रहे हैं अभी चढ़ावा चढ़ाने के लिए। तो कुछ मन्नतें होंगी भाई की भी? मन्नत कुछ नहीं है, बस खुशी बस। वो चढ़ावा तो कोई भी चढ़ा सकता है, पास ही यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ से आप चढ़ावा चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। तो अभी हम चढ़ाव चढ़ा करके भी आ चुके हैं और वहाँ पर चलते जहाँ पर कि खाना बन रहा है। तो यहाँ पीछे देखते इस ऐसी लोकेशन पर कुछ खाना बन रहा है, कितनी मस्त सी लोकेशन है। और वहाँ पर से ना आपको ढाईजली पट्टी भी दिखाते हैं। बाकी गांव से जितने भी लेडीज लोग आ रखे हैं सब यहाँ पर बैठे हुए हैं आया मैं, और खाना बन रहा है ठीक उस साइड। अभी हम भी चलते हैं खाना बनाने के लिए। अभी अपना साथ एक न्यू मेंबर जुड़ चुके हैं दौलत भाई, तो इनकी आज पूजा है यहाँ, तो इनकी पूजा में आज सभी भाई को नमस्कार आ रखे हैं। बताओ भाई आपके मतलब क्या था यहाँ? पूजा पर्सनल थी, मतलब खुशी का माहौल था इसलिए पूजा करी है। तो यहाँ ना एक बात ये सी है कि मतलब जिसकी भी खुशी रहती है, जो भी खुशी रहती है, तो सभी लोग मतलब यहाँ कुछ ना कुछ मतलब अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो उस मन्नतें जब वो मन्नतें पूरी हो जाती है तो फिर यहाँ मतलब कुछ पूजा पूजा करते हैं। तो वैसे ही आज दौलत भाई की भी थी जिंदगी में चाहती है बोला। तो अभी फिर से दोबारा यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मिल गई है हमें। सो यहाँ पर बन रहा भी खाना, और यहाँ से ना ढाजुली का व्यू बताता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ रहा ढाजुली पट्टी, पूरी ढाजुली पट्टी। हम भी अभी ढाजुली पट्टी में हैं, बट यहाँ से ढाजुली के काफ़ी सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से लेकर के देखो पूरे वहाँ तक गांव गांव दिखाई दे रहे हैं। तो इन गांव का नाम मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अभी मैं और मनोज भाई चल रहे हैं दुकानें हैं, तो वहाँ पर चल रहे हैं हम अभी। और मनोज भाई आज ड्राइविंग कर रहे हैं फर्स्ट बार, गिराओगे तो नहीं मुझे यार? तो इनके साथ ना थोड़ा बैठने में डर भी लग रहा है, पर कोई बात नहीं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ना खाना पीना स्टार्ट हो गया है। जस्ट मैं और मनोज भाई अभी अभी आ रहे हैं। फटाफटी। ओहो सोनू भाई के पास दो दो मोबाइल है। सो अभी अपना खाना पीना भी हो चुका है, और यहाँ पर जो लोग बचे हुए हैं वो खाना खा रहे हैं। अभी यहाँ पर रही गाड़ी और हम जा रहे हैं यहाँ दुकानों की ओर। तो हमें ना थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ी कुल्फी खा के आते हैं। अभी अपनी कुल्फी भी आ गई है, अब खाते हैं कुल्फी, फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ से। सो अभी हम पहुँच चुके हैं जल्लू के बैंड पे। आधे बैंड हमने क्रॉस कर लिए, बट यहाँ से अब आधे ही बैंड क्रॉस करने हैं। तो हमारे हैं प्रधान भाई जी की कार में। सो अभी हम पहुंच चुके हैं कैन्यूर बैंड में। तो कैन्यूर बैंड में यहाँ पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, क्योंकि आगे से ना रोड का काम जारी है। तो यहाँ पर अभी रोड का डामनाकरण हो रहा है, यानी कि रोड में नई वाली कोलतार बिछाई जा रही है। तो ये पुरानी वाली काफ़ी उबड़ खबड़ हो गई थी, अब नई वाली बिछ रही है। तो नीचे वाली रोड से देखे काफ़ी अच्छी बन गई अब रोड। तो यहाँ ऊपर वाली रोड पर भी काम लगा हुआ है, कुछ छोटे छोटे बच्चे ना ऊपर हिस्सोल खा रहे हैं। तो हमारे इलाके में रोड काफ़ी ख़राब सी थी, काफ़ी उबड़ खबड़ रोड थी। तो आजकल लगा हुआ है रोडों का काम जोर शोर से। तो यहाँ देखे थली साइन वाली रोड पे भी काम लगा हुआ है, यानी कि ये रोड जो कपरौली से चलती है तो उस रोड पे भी काम लगा हुआ है। और जहाँ के हम गए जल्लू वाले बैंड पे, तो वहाँ भी मैंने मतलब काफ़ी महीनों से गया, तो वहाँ भी मैंने देखा वहाँ भी काम काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, ज़्यादा डामनाकरण हो रखा है वहाँ भी। इसके साथ यहाँ देखो किलमोड़ भी पक गया भाई, छोटे बच्चा भी किलमोड़ा खा रहा है। यहाँ देखो यार कोयलतार किस प्रकार से बिछाया जा रहा है, यहाँ से जा रहे हो अंदर।
बाकी यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, तो रोड देखिए पूरी पीछे तक जाम हो रही है। अभी पहुंच चुके हैं हम अपने गांव में, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं वीरू पहाड़ी जल्द ही मिलूंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।